वायरल सच पे बात करेंगे देश की सबसे स्मार्ट स्वीपर वाले वायरल मैसेज की। सोशल मीडिया पर एक महिला स्वीपर की तस्वीर चर्चा में बनी हुई है। चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि महिला किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही है। महिला को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये सड़क पर झाड़ू लगाने का काम करती है। सवाल उठ रहे हैं, कहीं ये किसी विज्ञापन की शूटिंग तो नहीं, कहीं ये कोई हीरोइन तो नहीं। तो चलिए पता लगाते हैं झाड़ू वाली हीरोइन की मिस्ट्री का वायरल सच। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीर, इन चारों तस्वीरों में एक ही महिला है। सारी तस्वीरों में महिला ने हाथ में लंबी सी झाड़ू पकड़ रखी है, लेकिन हर तस्वीर के साथ महिला के पोज जरूर बदल रहे हैं। डिजाइनर ब्लाउज के साथ सुंदर सी चमचमाती साड़ी पहने इन महिला ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। आंखों में मोटा आईलाइनर और होंठों पर गाढ़ी लिपस्टिक लगाए ये महिला किसी मॉडल से कम नहीं लग रही। इस तस्वीर में महिला के आगे एक दो औरतें और दिखाई दे रही हैं, जो सड़क पर झाड़ू लगा रही हैं, और अपनी साड़ी के ऊपर इन लोगों ने सफाई कर्मियों वाली जैकेट भी पहन रखी है। लेकिन जरा इस तस्वीर को देखिए, इस महिला ने उस जैकेट को कमर में खोंच रखा है। हाथों में झाड़ू देखकर तो यही लगता है ये महिला कोई स्वीपर है, लेकिन महिला के पहनावे और मेकअप के बाद इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। करीब दो हफ्ते से व्हाट्सएप पर घूम रही इस तस्वीर वाली महिला को कोई साउथ की हीरोइन बता रहा है, तो कोई मध्य प्रदेश सरकार की सफाई अभियान का विज्ञापन बता रहा है। जिस तरह साफ सुथरी सड़क पर महिला झाड़ू लगा रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि हो सकता है ये किसी विज्ञापन की शूटिंग हो या फिर किसी तरह का कोई मजाक। स्वीपर बताई जाने वाली ये सुंदर सी महिला कौन है, ये जानने के लिए हमने पड़ताल शुरू की। पड़ताल का पहला सुराग हमें वायरल तस्वीर से ही मिला। ये देखिए, दो तस्वीरों में महिला के पीछे नगर परिषद ओंकारेश्वर लिखा दिखाई दे रहा है। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। पड़ताल के लिए हम सीधे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 265 किलोमीटर दूर ओंकारेश्वर के लिए रवाना हुए। ओंकारेश्वर पहुंचकर हमने वहां के स्थानीय लोगों को महिला की तस्वीर दिखाई और महिला के बारे में तहकीकात शुरू की। चौंकाने वाली बात ये थी कि महिला को हर कोई पहचानता था। तस्वीर देखकर निकल रही आवाजें और लोगों के हाव भाव ये बता रहे थे कि झाड़ू वाली ये हीरोइन कितनी मशहूर है। पड़ताल करते हुए हमें एक शख्स मिले जिन्होंने हमें बताया कि तस्वीर में दिख रही महिला असल में एक 20 साल की लड़की है जिसका नाम बबली है। वो लड़की यहीं की रहने वाली है, बबली नाम है, बबली रील नाम है उसका। और इस लड़की का एक अलग ही मतलब अपना तरीका है, ये हमेशा जब भी अपने वर्क को करती है ये बिल्कुल तैयार होकर आती, स्वच्छता रूप से करती है। ये तो पता चल गया कि हीरोइन जैसी दिखने वाली ये झाड़ू वाली ही है और मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में रहती है। लेकिन ओंकारेश्वर में कहां, ये कोई भी बता नहीं पा रहा था। लोगों ने बताया था कि लड़की ओंकारेश्वर नगर पंचायत में सफाई कर्मी का काम करती है, तो हम सीधे नगर पंचायत के लिए निकल गए क्योंकि वहीं से हमें बबली का पता और बबली दोनों मिल सकते थे। हमने नगर पंचायत में स्वास्थ्य विभाग अधिकारी महेश चौकसे को वायरल तस्वीर दिखाई और बबली के बारे में पूछा। जो फोटो इस लड़के का वायरल हुआ है उसका नाम कुमारी बबली पिता सुनील है। इसके माता पिता सुनील और माँ गायत्री भाई नगर परिषद ओंकार में नियमित सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत हैं और कुमारी बबली को आवश्यकता अनुसार सफाई हेतु लगाया जाता है। वायरल तस्वीर में दिख रही लड़की यानी कि बबली के घर का पता तो हमें नगर पंचायत से मिल ही गया था। अब कहानी में एंट्री होने वाली थी कहानी की हीरोइन यानी कि बबली की। पता पूछते पूछते हम बबली के घर पहुंच गए। घर में बबली की एक से एक सुंदर और स्टाइलिश तस्वीरें मिली जो बबली की जिंदगी जीने का तरीका बता रही थी। थोड़े इंतजार के बाद बबली बाहर आई।
नीले रंग के गाउन में बाल खोल के फुल मेकअप में जब बबली सामने आई तो हम देखते ही रह गए। तस्वीर में जैसी बबली दिख रही थी, असल में वो उससे कई ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट लग रही थी। कैमरा के सामने आने से पहले बबली ने एक बार फिर अपना मेकअप ठीक कर लिया ताकि वो टीवी पर और सुंदर लगे। बबली से हमने पूछा कि जब वो इतनी सुंदर है तो झाड़ू लगाने क्यों जाती है। उनका जाने का टाइम हो गया तो पहले नहाती हूँ, फिर अच्छा अच्छे से मेकअप करती हूँ, बहुत अच्छे से तैयार होती हूँ, उसके बाद ड्यूटी जाती हूँ। और मैं हमेशा ना ऐसी टिप टाप से ही जाती हूँ झाड़ू लगाने के लिए। क्यों लगा रही? तो सब ये बोलते कि क्या मतलब धर्म दुआ कर रही है, क्या कर रही है? मैंने बोला नहीं, मैं कुछ नहीं करती, मम्मी का काम करती हूँ। बोला अच्छा अच्छा क्या मिलता आपको? मैंने कहा मेरे को नहीं, मम्मी को सैलरी मिलती है। बोले कि अच्छा आप क्यों करती हो? मैंने बोला कि बस यही काम है अपना, तो कर रहे अपन काम, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। बबली ने हमें ये भी बताया कि लोग उसे ऐसे सच धज कर झाड़ू लगाते देखते हैं तो क्या कहते हैं। ना तो जब बहुत से लोगों ने आते और देख के गाड़ी रोक देते और फोटो लेते और बोलते कि आओ कितनी क्यूट लड़की झाड़ू लगा रही है, फोटोग्राफ लेने का बोलते हैं। बोला आप हीरोइन है क्या? मैंने बोला नहीं, बस चीज काम करती हूँ। मैं बोले कि आपकी फोटो ले लूँ क्या? मैंने कि नहीं। फिर उनके सिस्टरों को पहुँचाते, वो लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, फोटो लेते हैं, बहुत तारीफ करते, बहुत से तारीफ लेके जाते कि देखो कोई तो घर में काम करने से शर्माता, वो तो रोड पर झाड़ू लगा रही है। बबली का हमेशा यूं टिप टॉप रहना ही उसकी पहचान बन चुकी है। हमने जब बबली से पूछा कि क्या इतने सुंदर गाउन में भी वो झाड़ू लगाने जाती है तो बबली ने बोला ये कौन सी बड़ी बात है, चलिए अभी आपके सामने लगा के दिखाती हूँ। बबली जितनी सुंदर दिखती है उतनी ही सुंदर उनकी सोच भी है। बबली का जिंदगी के प्रति नजरिया और उनके काम करने के स्टाइल ने बबली को मशहूर बना दिया है। हमारी पड़ताल में वायरल तस्वीर सच साबित हुई है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई वायरल वीडियो, फोटो या मैसेज है जिसका सच आप नहीं जानते तो पड़ताल के लिए हमें वायरल सच के व्हाट्सएप नंबर 8588989888 पर भेज दीजिए, हम उस खबर की पड़ताल करेंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।